हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक लघु उद्योग के उत्पाद के चयन के लिए मुख्य मापदंड को देखते हैं, माने मेन क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसके लिए जो है मेन क्राइटेरिया क्या होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के सेलेक्ट करने के लिए, वो ये है। पहला जो पॉइंट जो आता है बाज़ार का अध्ययन, माने मार्केट स्टडी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वास्तविक उद्योग को के उत्पादों के बाज़ार का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक होता है। आप जिस वस्तु का उत्पादन प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, उसकी बाज़ार में कितनी मांग है एवं कितनी पूर्ति है, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में उस वस्तु की पूर्ति कौन कौन से उद्योग करते हैं, वस्तु कहाँ से बनकर आती है, बाज़ार में किस मूल्य पर बिकती है, उस वस्तु के उपभोक्ता कौन लोग हैं, यह वस्तु साल भर बिकती है या कुछ विशेष महीनों में, आदि बातों का अध्ययन बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए यह जरूरी है कि बाज़ार का व्यापक सर्वेक्षण किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपके कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, मैंने रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हमें क्या करनी है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, अच्छे क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स हमें सस्ते दरों में और हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उससे कम दूरी पर हमें मिलना चाहिए। ठीक है, और रॉ मटेरियल की जो उपलब्धता है हमें हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें निरंतर अगर प्रोडक्शन करना है अपनी इंडस्ट्रीज़ में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, तो हमें रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है उसे हमेशा मेंटेन करके रखना है। अगर रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया तो उस केस में आपकी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगा। तो एंड नेक्स्ट जो है वो है आपका प्राथमिक सुविधा। तो उत्पाद के बारे में विचार करते समय आपको यह बात भी ध्यान रखना होता है कि उसके लिए आपके ग्राम या शहर के आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं। जैसे आप अपने गांव में आटा चक्की लगाना चाहते हैं तो बिजली की आवश्यकता तो होगी ही, इसके लिए गांव में बिजली है या नहीं इस बात पर ध्यान रखना आपको आवश्यक होगा। उसके बाद फोर्थ जो है तकनीकी ज्ञान माने टेक्निकल नॉलेज। तो जिस उत्पाद के बारे में आप विचार करते हैं कि इसकी टेक्निकल बातों का आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। यदि आप तैयार प्रोडक्ट जैसे फर्नीचर उद्योग है की स्थापना करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यह आवश्यक है कि आपको ज्ञात हो कि आपका जो प्रोडक्ट है फर्नीचर है वो कैसे बनता है, कैसे प्रोसेस होता है। तो ये बातें आपको जानना ज़रूरी है, किन किन मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, कैसे आप अधिक कम समय में अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो है वित्तीय स्थिति, आपका जो है प्रोडक्शन का चयन करते समय पूर्व में आपको यह समझ लेना चाहिए कि इस योजना में कितना धन की खर्चा या फाइनेंशियल हेल्प की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको कितने पैसे की लागत की ज़रूरत पड़ेगी। यह सही है कि आपको अनुदान भी मिलता है, माने आपको सब्सिडी तो मिलता ही है, फिर भी अनुदान की लालसा में आप अपनी क्षमता से अधिक बड़े उद्योग का चयन करना उचित नहीं है। माने आप जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा का, जितनी फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट से मिल रही है, सब्सिडी आपको गवर्नमेंट से मिल रही है, उससे ज़्यादा का आपको इंडस्ट्री सेटअप नहीं करना है। जितने का आपको सब्सिडी मिल रहा है, जितने का आप डिपॉजिट मनी जमा कर रहे हैं, उतने का ही आप इंडस्ट्री सेटअप करें। देन उसके बाद है जनशक्ति की उपलब्धता। जनशक्ति की उपलब्धता में आपको ह्यूमन रिसोर्स और वेल्ड स्किल्ड लेबर आपको मिल पाएंगे कि नहीं, या सेमी स्किल्ड, वेल्ड स्किल्ड या नॉन स्किल्ड लेबर आपको कितने मिल सकते हैं, आपको काम करने वाले, आपके फैक्ट्री में काम करने वाले लोग आपको मिलेंगे कि नहीं, आप उन्हें प्रॉपर फैसिलिटी दे सकते हैं कि नहीं, या फिर आप उन्हें बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो सब आप उन्हें दे सकते हैं कि नहीं, सेफ्टी किट्स हो गए,
और उनके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जैसे कैंटीन की फैसिलिटी हो गई, मेडिकल की फैसिलिटी हो गई, ये सब आप दे सकते हैं कि नहीं, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको देना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आप उन्हें समय समय पर आप उन्हें सैलरी दे सकते हैं कि नहीं। अगर आपकी फैक्ट्री अगर कुछ दिनों के लिए अगर बंद पड़ जाए तो उस केस में आप उनका खर्चा जो है वे सैलरी से रिलेटेड जो फैक्टर है आप उनको पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके बाद है पारिवारिक वातावरण, जो आपका जो इन्वायरमेंट होता है वो फैमिली और फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी इंडस्ट्री को सेटअप कर रहे हैं तो परिवार उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, माने जो फैमिली है आपके इंडस्ट्री सेटअप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसको इस्टेब्लिश करने में। प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने से पहले अपने घर के सदस्य से सलाह जरूर करना चाहिए। अक्सर यह देखा गया है कि युवक जो हैं अपने इंडस्ट्री का सिलेक्शन अपने आप कर लेते हैं एवं उस दिशा में दूसरी कार्यवाही भी कर लेते हैं, किंतु जब घर के लोग इस बात का पता चलता है तो उन्हें मोटिवेट नहीं करती। ऐसी स्थिति में उनका कार्य जो है रुक जाता है और वो अच्छे से उद्योग का चयन नहीं कर सकते और वो क्या होते हैं बाहर समय समय पर डिमोटिवेट होते रहते हैं। नेक्स्ट जो है उसका है सामाजिक स्थिति, परिवार में के समान ही सामाजिक स्थिति में प्रोडक्शन का सिलेक्शन करना होता है। आपके समाज जिसमें आप रहते हैं उनकी सांस्कृतिक मूल्यों, रीति रिवाजों, रूढ़ी और जो रीति रिवाज है, रूढ़ीवादी जो सोच है आदि से आपके उद्योग का टकराव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायक हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने बैकग्राउंड को चेक कीजिए, आप जिस कंडीशन में रह रहे हैं उसको चेक कीजिए और उसके बेसिस पे आप अपने डिसीजन को टारगेट को अचीव करने के लिए आप अपने सोच को और अपने फोकस को प्रॉपरली उस टारगेट के ऊपर विजन बनाते हुए और टारगेट को अचीव करते हुए आप प्लान करते हुए आप उस काम को करें। देन नेक्स्ट जो है आवश्यकता, तो आवश्यकता है आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आवश्यकता जो आपको पड़ती है वो है आपके लिए रॉ मटेरियल। और साथ ही साथ आपको इस बात को भी सोचना है कि उत्पादन और उद्योग चयन करने का जो विचार करते समय आपको अपने उद्योग की आवश्यकताओं को सोचना है, क्यों आप इस इंडस्ट्री को सेटअप कर रहे हैं, इस बात को गंभीरता से सोचना है। उद्योग की स्थापना आप क्यों करना चाहते हैं, आपके लिए या परिवार के लिए या समाज के लिए या देश के विकास के लिए। याद रखिए कि यह विचार करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप अपनी आवश्यकता सही रूप से पता नहीं कर पाएंगे तब तक आप इसे वास्तविकता में प्रस्तावित उद्योग को सफलतापूर्वक नहीं चला पाएंगे, उसे स्थापित कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है क्षमता का आकलन करना, उद्योग का चयन करते से पहले मार्केट और रॉ मटेरियल की उपलब्धता का ज्ञान आपको होना चाहिए। इन दोनों बातों को भली भांति सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद ही आपको अपनी क्षमता एवं योग्यता पर ही दृष्टि डालनी होगी। आप स्वयं किस प्रकार का उद्योग सफलतापूर्वक बिना किसी बाधा के चला सकते हैं। शारीरिक क्षमता का मूल्यांकन, उद्योग का चयन या इंडस्ट्री का सिलेक्शन आपको अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी के अनुसार करना होगा। यदि आप फिजिकली अधिक कार्य करने एवं मेहनती हैं करने में सक्षम नहीं हैं तो आपको ऐसे उद्योग का सिलेक्शन करना चाहिए जिसमें आपको जो फिजिकल कैपेबिलिटी की आपको ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े या ज़्यादा मेहनत का काम आपको ना करना पड़े। और 12th पॉइंट जो है उम्र का ध्यान रखना है। यदि आप अभी 18-19 वर्ष की उम्र पूरी की है तो आपको किसी जोखिम भरे उद्योग में नहीं जाना चाहिए।
पहले सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस गेंस करना चाहिए, उसके बाद ही आप अपने इंडस्ट्री को एक्सपेंड करें। नेक्स्ट जो है थर्ड 13 पॉइंट जो है स्थायी संपत्ति, प्रस्तावित या फिर प्रपोजल इंडस्ट्री का सिलेक्शन करते समय आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि आपके पास आपकी स्थायी संपत्ति है कि क्या है, उद्योग लगाने के लिए क्या आपके पास पर्याप्त प्लॉट है, भवन है, यदि नहीं है तो इसकी व्यवस्था कहाँ से होगी और कौन करेगा, कैसे होगा, इनका विचार आपको करना है। एंड 14 पॉइंट है उद्योग की प्रोजेक्ट प्रोफाइल, उद्योग चयन करने की प्रक्रिया में आपको अपनी क्षमता एवं रुचि वाले उद्योगों की प्रोजेक्ट प्रोफाइल का गहन अध्ययन करना है आवश्यक है। प्रोजेक्ट प्रोफाइल में उद्योग के बारे में जैसे बाजार, उत्पादन, बिक्री, मशीन उपकरण, रॉ मटेरियल, प्रॉफिट लॉस आदि के बारे में पूर्ण विवरण दिया रहता है। प्रोजेक्ट प्रोफाइल का अध्ययन करने से आपकी मेंटल यूनिट में एक क्लियर विजन जनरेट होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतने ही, थैंक यू।